पूरी तरह से निर्दोष हूँ और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल FIR करने की बात आई है और अभी यद्यपि FIR की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन FIR हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। जांच एजेंसी जहाँ भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है, जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है और अभी सरकार ने IO की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर के नहीं, मैं अपराधी नहीं हूँ।